हमारे नेता के बारे में कहा गया कि कन्फ्यूजन की स्थिति दूर करें, तो हमने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी कभी कन्फ्यूजन में नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे, साथ निश्चय पार्ट टू बदल जाएगा, ये गठबंधन के सहयोगी दल बदले, इसलिए ऐसे सवाल का तो कोई औचित्य नहीं है। अरे भाई पूर्व मुख्यमंत्री है, मेरे को MLC है, दोनों में अंतर नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी हुआ तो मुझे लगा कि अब विलंब कहीं कारण कीजिए, तब मैं आके बोला। बिहार की राजनीति में खिचड़ी पक रही है और इन तमाम सवालों के बीच जनता दल यू की तरफ से जो है वो अपनी चुप्पी तोड़ी गई है। नीरज कुमार जो पार्टी के प्रवक्ता है, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सवाल नीतीश कुमार पर खड़ा किया गया है तो इसीलिए जवाब देना भी जरूरी है। राजभवन से निकले नीरज कुमार ने क्या कहा है, पहले उस बयान को आप सुनिए। नीरज जी, बिहार की राजनीति में आखिर क्या चल रहा है, नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे, साथ निश्चय पार्ट टू बदल जाएगा, मैंने हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे वो बदल जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक का बदल जाएगा, जनता को समर्पित कार्यक्रम कभी बदले हैं माननीय नीतीश कुमार जी के गठबंधन के सहयोगी दल बदले, इसलिए ऐसे सवाल का तो कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जो भाजपा कल तक कहती थी कि नीतीश कुमार को नहीं ढोएंगे, आज कह रही है कंधा पर ढोने के लिए तैयार है। ये तो इस संबंध में तो हम स्पष्टीकरण अपनी पार्टी का देने को अधिकृत है ना। हमारे नेता के बारे में कहा गया कि कन्फ्यूजन की स्थिति दूर करें, तो हमने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी कभी कन्फ्यूजन में नहीं रहे हैं, फ्रंट फुट की राजनीति किया है नीतीश कुमार जी ने, सीधा राजनीति किया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब जिनके मन में कन्फ्यूजन है वो जाने, हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं। लगता है कि जो तस्वीरें निकलकर 3-4 दिनों से आ रही है, नीतीश कुमार भी अंदर बैठे हुए हैं, कभी उमेश कुशवाहा जा रहे हैं, कभी विजय चौधरी जा रहे हैं, अंदर बातें चल रही है, कुछ बड़ा विषय। अब हमको नहीं बुलाया गया इसलिए हमको ये सब कोई जानकारी नहीं रहा। अरे भाई पूर्व मुख्यमंत्री है, मेरे को MLC है, दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन आपको लगता है संभावनाएं क्या है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि आज भी तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने इग्नोर किया। अरे मैं केवल इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि जब माननीय नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी हुआ तो मुझे लगा कि अब विलंब कहीं कारण कीजिए, तब मैं आके बोला। मुझे इसकी जानकारी नहीं। नीरज कुमार, तो आपने सुना जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि असमंजस में कोई ना रहे, हम ना किसी को रखते हैं और ना ही असमंजस में रहते हैं, स्थिति बहुत स्पष्ट है। हालांकि स्थिति वो क्या है नीरज कुमार ये नहीं बता रहे थे, लेकिन उनके तेवर साफ बयां कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है बिहार में। जिन संभावनाओं पर चर्चा हो रही है वो कुछ घंटों में, हो सकता है कि 24 घंटा का वक्त ना गुजरे और बिहार में जो RJD सत्ता में जो बैठी है विपक्ष में बैठ जाए और जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठी है वो सत्ता में चली जाए।